अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद सारा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से कटोरी चाट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने लिया है 2 कप मैदा। उसमें डालेंगे हसबे जायका नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल। पहले इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आटे को गूंद लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, सारा पानी एक साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे। आटा हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया है, इसे ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। कटोरी चाट बनाने के लिए यहाँ पे हमने इस साइज की कटोरी ली है। आटे को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। पहले आटे के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। सबसे पहले सरफेस पे आटा रेस्ट करेंगे और रोटी बेल लेंगे। रोटी का साइज इतना होना चाहिए कि कटोरी उससे ढक जाए। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं और फोक की हेल्प से इसे हल्का हल्का पोक कर देंगे। देखिए, इस तरीके से बाहर से हमने कटोरी को कवर कर लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, तो चलिए अब फ्राई करते हैं कटोरी को। देखिए, कटोरी अलग हो रही है, तो इसे एहतियात से निकाल लेंगे। देखिए, कटोरी अलग हो चुकी है। अंदर भी तेल डालते जाएंगे ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, लेकिन बहुत ही एहतियात से ये काम करना है आपको। तो चलिए दूसरी फ्राई करते हैं। एहतियातन आप कटोरी को ग्रीस भी कर लीजिएगा। चलिए आप इसे फ्राई करते हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सारी कटोरियां हमने फ्राई कर ली हैं। असेंबलिंग के लिए यहाँ पे हमने 2 किस्म की चटनियां ली हैं, जिनमें हमारे पास यहाँ पे इमली की खट्टी मीठी चटनी है और दूसरी यहाँ पे हमारे पास धनिया पुदीने की चटनी है। साथ ही हमारे पास उबले हुए काले चने हैं, उबले हुए सफेद चने और उबले हुए आलू। उसके अलावा वेजिटेबल्स में हमने लिए हैं प्याज, टमाटर, खीरा और थोड़ा सा हरा धनिया। गार्निशिंग के लिए हमने लिए हैं सेवइयां और पापड़ी। तो चलिए अब असेंबलिंग करते हैं। सारी चीज़ों को कटोरियों में डालते जाएंगे। आप फिलिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको हमारी रेसिपीज मजीद चाहिए तो आप हमारे चैनल कुक विद सारा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप रेसिपीज ट्राई करके हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कुक विद सारा 23 को फॉलो कीजिए और फेसबुक पे भी हमारा पेज है कुक विद सारा, तो उसे भी आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। बकर ईद आने ही वाली है, तो हमने आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल रेसिपीज शेयर की हुई है। कुछ रेसिपीज का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। बाकी रेसिपीज के लिए आप हमारे चैनल का विजिट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।